बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस क्लास के अंदर जो टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं टेबल। टेबल बेसिकली इट इज़ द कम्बिनेशन of rows and columns। rows और columns के हम जो है combination को, ठीक है, मजमूए को हम क्या बोलते हैं, table बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर draw करता हूँ, ठीक है, ये जो है जो vertical है उसको हम क्या बोलते हैं, columns बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है, इसको हम रोज़ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है चार रोज़ हैं और चार कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब टेबल हम किस मकसद के लिए बोलते हैं, यूज़ करते हैं। सो टेबल हम टू स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। डेटा हम लिस्ट फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डेटा जो टेबल है इंशाल्लाह हम ये इसलिए सीख रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मेन जो फ़ायदा है टेबल का वो ये है कि डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर होता है। ऑर्गेनाइज मींस एक तो जो रिलेटेड डेटा होता है वो एक टेबल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबल है स्टूडेंट, हर एक टेबल का एक नाम होता है, मतलब किस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो उसको हम क्या स्टूडेंट टेबल नेम बोलते हैं। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के बारे में मैंने डेटा स्टोर करना है। अब इस टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का डेटा होगा, मतलब इस तरह नहीं हो सकता कि इस टेबल के अंदर मैं टीचर का भी डेटा स्टोर करूँ, ठीक है। तो टीचर के लिए मुझे अलग टेबल इंसर्ट करना बनाना पड़ेगा। तो एक हमने के रिलेटेड डेटा जो है हम स्टोर कर सकते हैं, और सेकंड फ़ायदा इसका ये है कि टेबल जो है हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज मीन फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट सपोज रोल नंबर है स्टूडेंट्स का, तो रोल नंबर्स इसी कॉलम के अंदर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेम्स हैं तो नेम्स इधर आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एड्रेस हैं तो यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर फील्ड है किस फील्ड के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल FA, FSC है, कंप्यूटर है, DIT है, तो साथ सारी फील्ड्स इधर शो होंगे इसी कॉलम के अंदर। अच्छा, अब डेटाबेस के अंदर जो है अब हम इसको अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है, अलग नाम इसको हम इसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं। अच्छा, जो टेबल का नाम होता है वो असल में क्या है, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। क्या बोलते हैं जी, एंटिटी। मतलब ये एंटिटी का अगर डिफिनीशन हम करें कि एंटिटी क्या है, ठीक है, ये नाम आपको आप लोगों के लिए शायद न्यू होगा। सो एंटिटी, एनीथिंग अबाउट विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू स्टोर द डेटा, द थिंग इज कॉल्ड एंटिटी। ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ के बारे में डेटा स्टोर करना चाहती है उसी चीज़ को हम एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ सो सिंपल। फॉर एग्जाम्पल एंटिटी जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि उस चीज़ के अंदर उस चीज़ के बारे में डेटा अपने पास स्टोर करें। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कॉलेज के हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉलेज हैं तो कॉलेज वो स्टूडेंट के बारे में डेटा स्टोर करना चाहता है, या इवन टीचर्स के बारे में मुख्तलिफ फील्ड्स हैं तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे एंटिटीज़ हैं। टीचर एक एंटिटी है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक अलग एंटिटी है, इस तरह मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, ठीक है, ये अलग एंटिटीज़। बुक के बारे में अगर डेटा स्टोर करें तो बुक भी एक एंटिटी है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। सो टेबल का जो नाम होता है ये असल में क्या है, ये एंटिटी है, ठीक है। हम डेटाबेस में उसको हम एंटिटीज़ के नाम से पुकारते हैं। सेकेंड जो है वो है ये है कि जो रो है, ठीक है, रो ये जो वो हॉरिजॉन्टल हैं तो उसको डेटाबेस में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी
रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ठीक है, अ सिंगल रो ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड ठीक है, या इसको हम एक और नाम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। अच्छा जी, जो कॉलम है ठीक है उसको हम बोलते हैं, जो कॉलम नेम है ये देखें, हेड रो जो है ये असल में क्या है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट ठीक है, फील्ड नेम भी बोलते हैं, फील्ड नेम ठीक है। सो अब फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट क्या है, सो सिंपल कॉलम का जो नाम होता है ये इंतहाई सिंपल, या फील्ड नेम जिसको अगर हम प्रॉपर डिफिनीशन करें तो फिर ये है कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट ठीक है, या द जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज स्टूडेंट एंटिटी है ठीक है, तो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर का नाम, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, एड्रेस, फील्ड, जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट की, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो क्या है, वो असल में एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब हम टेबल में लिखते हैं तो ये टेबल का नाम स्टूडेंट स्टूडेंट है, और ये देखिए इस कॉलम का नाम रोल नंबर है, नेम है, असल में ये सारी क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जो रिकॉर्ड है, सॉरी अभी याद आ गया, इसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं टपल भी बोलते हैं ठीक है। सो अ सिंगल रो ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड और टपल ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो इसके अंदर हम सीखेंगे, ये इसको हम बोलते हैं देखिए ये सेल, ये सेल्स हैं ठीक है। सेल्स के अगर प्रॉपर डिफिनीशन करें तो ये जो वर्टिकल लाइन है ठीक है, वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर इंटरसेक्शन करती हैं, एक दूसरे को खत्म करती हैं, तो इसके कवर एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल बोलते हैं ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर वन है, यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री, असल में ये जो है ये एक्चुअल डेटा है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, रोल नंबर एक है, नाम लेट सपोज अली है, एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल फील्ड है वो भी ए बी सी जो भी है। अब ये पूरा एक जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड या टपल या रो ठीक है। और ये एक एक जो मुख्तलिफ डेटा या मुख्तलिफ इंस्टेंस मिलकर रिकॉर्ड बनता है ठीक है, या फील्ड मिलकर रिकॉर्ड बनता है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंस ठीक है, या एक फील्ड है ठीक है सिंगल, इसको हम सेल बोलते हैं ठीक है आम लैंग्वेज में। अच्छा जी, अब हमने इस लेक्चर के अंदर एक तो टेबल और टेबल रिलेटेड जो है बातें हमने की, ये हमने सीखी। सेकंड जो है रिलेशनशिप या रिलेशन, रिलेशन है एक है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप। असल में रोज और कॉलम्स के जो कम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो सिंपल इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल भी बोलते हैं। द एसोसिएशन एमंग रोज एंड कॉलम्स ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रोज है, यहाँ पर कॉलम्स है, तो क्या बना, टेबल बन गया। सो सिंपल टेबल इन रिलेशन इट इज सेम। अब रिलेशनशिप क्या है, जब हम टेबल्स के दरमियान, टेबल्स मीन एंटिटीज या टेबल्स एक ही चीज़ है, जब हम दो टेबल्स या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान हम जब एसोसिएट करें, एक दूसरे के साथ लिंक करें ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप इट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप ठीक है। तो रिलेशनशिप के हमारे पास तीन टाइप्स हैं, रिलेशनशिप्स के हमारे पास तीन टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं, क्या अलग अलग नाम है ठीक है इनके। सो एक है वन, जब दो टेबल्स की तरफ वन टू वन रिलेशनशिप,
वन टू वन रिलेशनशिप, ये फर्स्ट नंबर। सेकंड, वन टू मैनी रिलेशनशिप। थर्ड जो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये तीन टाइप्स है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। अब इसका ये कौन सा टाइप है, ये हम साथ साथ जो है डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है, ठीक है। अब ये देखें, ये रोज हैं, ठीक है, ये इसके अंदर भी इस तरह रोज हैं। अब वन टू वन रिलेशन ये है कि जब टेबल, फॉर एग्जांपल ये टेबल ए है, ये टेबल बी है, ठीक है। टेबल ए का जब एक रिकॉर्ड या एक रो, ठीक है, टेबल बी के एक ही रो के साथ हम एसोसिएट करें, ठीक है, इन दोनों को हम रिलेशनशिप ताल्लुक बनाएं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन टू वन। मतलब इस तरह नहीं हो सकता कि टेबल ए का, फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड या एक रो टेबल बी की दो के साथ इस तरह एसोसिएशन है, इस तरह नहीं हो सकता। वन टू वन में एक ही रो के साथ वो एसोसिएट हो सकता है, रिलेशनशिप बना सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन टू वन। वन टू वन फॉर एग्जांपल, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज एक टेबल है, ठीक है, या एंटिटी है, एंटिटी और टेबल एक ही चीज़ है। ये है लेट सपोज स्टूडेंट। एंटिटी हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। और ये जो है, ये देखिए वन हेडेड एरो जो है मैंने ड्रा किया, और यहाँ पर दूसरा टेबल या एंटिटी है, फॉर एग्जांपल फील्ड है, फील्ड, ठीक है, ये दो एंटिटीज़ हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन करता है कि वन टू वन रिलेशनशिप है, मतलब एक स्टूडेंट एक वक्त में एक ही फील्ड के अंदर एडमिशन कर सकता है, ठीक है। तो ये है कि मैंने ये ड्रा किया, ठीक है, ये हमने सिंपल रिप्रेजेंटेशन की। तो ये हम जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो वन हेडेड रो के साथ हम उसको, एरो के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो है वो है वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप मीन कि जब कि एंटिटी वन या टेबल वन का एक ही इंस्टेंस या एक ही रो, ठीक है जी, जब टेबल बी की एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, के साथ जब हम ताल्लुक बनाएं, एसोसिएट करें, एक टेबल ए की एक रिकॉर्ड जब टेबल बी के एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड के साथ हम ताल्लुक बनाएं, तो फिर उसको हम वन टू मैनी रिलेशनशिप बोलते हैं। वन टू मैनी रिलेशनशिप जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये डबल हेडेड एरो के थ्रू हम जो है इसको रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है और यहाँ पर बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल बुक, तो एक स्टूडेंट एक, मतलब एक फील्ड के अंदर एक बुक और ज़्यादा बुक्स भी वो जो है स्टडी या ले सकता है, ठीक है, तो एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। डबल हेडेड एरो के थ्रू हमने ये रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये सिंपल। सो थर्ड जो है वन टू मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी ये इसका मतलब क्या है, रियल में अगर हम एक्सिस में बनाएं तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है, वन टू मैनी और वन टू वन ये दो हो सकते हैं। लेकिन हम जब इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइन ये अक्सर में हम तीन टेबल्स के दरमियान एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट्स है और यहाँ पर टीचर है, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर, तो एक स्टूडेंट का एक टीचर भी और मैनी भी हो सकते हैं, ठीक है। सो और अगर हम इस एंगल से देखें तो टीचर का भी क्लास में एक स्टूडेंट भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ तक सीखा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम आगे मज़ीद सीखेंगे। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।